रेल कौशल विकास योजना की तरफ से एक न्यू अपडेट आई है। रेल कौशल योजना क्या है और इसके बारे में आपको ऑनलाइन कैसे करना है और किस तरह से इसमें प्रोसेस है, मैं इसमें आपको पूरा जानकारी देने वाला हूं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आपको पूरा इसका जानकारी देता हूँ क्या है ये और इसको हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आपको सारी जानकारी देता हूँ, स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, वैसे लिंक इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, स्क्रॉल कीजिएगा, यहाँ पर देखिए ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर सब कुछ काम दिया जा रहा है। तो यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन कीजिएगा और स्क्रॉल डाउन करने के बाद नीचे यहाँ पर नोटिफिकेशन है, इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से ये नोटिफिकेशन को यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, चलिए इस नोटिफिकेशन थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पर लिखा नोटिस फॉर द एप्लीकेशन फॉर रेल कौशल विकास योजना ट्रेनिंग प्रोग्राम अंडर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, यानी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की तरफ से इसमें ट्रेनिंग किया करवाया जाएगा प्रोग्रामर के लिए। जो यहाँ पर फॉर ट्रेनिंग मंथ ऑफ मई का ट्रेनिंग है, इसे जो आपको 7/4/2024 से ही स्टार्टिंग है, नोटिफिकेशन निकाला गया था। इसमें लिखा मिनिस्ट्री रेलवे ऑर्गेनाइजिंग शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम एट द नॉमिनेटेड ट्रेनिंग सेंटर एट ऑल इंडिया लेवल ऑफ यूथ अंडर रेल कौशल योजना, यानी कहा जा रहा है कि मतलब ये इसमें शॉर्ट टर्म में आपको इसमें ट्रेनिंग दिया जाए। जैसे मान लीजिए अप्रेंटिस जिस तरह से होता है ना, तो उसी तरह से इसमें आपको शॉर्ट टर्म में यहाँ पर आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, ठीक है। और ट्रेनिंग देने के बाद यहाँ पर नेटवर्किंग कम्युनिकेशन सब कुछ से रिलेटेड रहेगा। जैसे आपको ट्रेड क्या क्या है, जो ट्रेड रहेगा उसके अनुसार आपको यहाँ पर ट्रेनिंग दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर एसी मैकेनिक, कारपेंटर, सीएनएसएस यानी कि कम्युनिकेशन नेटवर्किंग एंड सर्वाइलेंस सिस्टम, कंप्यूटर बेसिस कंसल्टिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स, इसके बाद फीटर इंस्ट्रूमेंट, मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिस्ट, रेफ्रिजरेशन एसी के टेक्निकल मैकेनिकल, और ट्रैक लेइंग वेल्डिंग बार वेल्डिंग एंड बेसिक ऑफ आईटी स्टेट लेवल एसटी इन इंडियन रेलवे। यानी कि यहाँ पर भी लिखा है दिस ट्रेनिंग विल हेल्प द कैंडिडेट इन गेटिंग एंड एम्प्लॉयमेंट एंड बिकमिंग सेल्फ एम्प्लॉयड टू, यानी खुद यहाँ पर दिया गया है आपको एलिबिलिटी के लिए जो 10वीं पास होंगे 18 से 35 साल के लिए डेट ऑफ नोटिफाई के अनुसार। सिलेक्शन जो मेंशन होगा, सिलेक्शन कैसे होगा, तो परसेंटेज मार्क्स पर होगा, जो आपको 10वीं क्लास के अनुसार मार्क्स बेसिस पर होगा, जो मेरिट ऑफ सिलेक्शन एज पर फार्मूला गिवेन सीबीएसई मल्टीपल सीजीपी में चेंज करके यहाँ पर आपको सीजीपी वाला सीबीएसई वाला होगा। अप्लीकेशन के लिए जो आपको ऑनलाइन देना है, यहाँ से देना है, 7/4 से स्टार्टिंग है, ठीक है ना, ऑनलाइन सबमिट करना है जो आपको यहाँ पर दिया गया है। जॉब के बारे में बात करें तो जॉब कैंडिडेट इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग अंडर रेल कौशल विकास योजना विल हैव नो क्लेम विथ सी सिक एम्प्लॉयमेंट इन रेलवे ऑन द बेसिस ऑफ सच ट्रेनिंग, यानी कहा जा रहा है कि जो ये आपको ये जॉब ये वाला नहीं है, ठीक है, ये एक वाला को ट्रेनिंग बेसिस के लिए है, ये जॉब के लिए आप कोई क्लेम नहीं दे सकते हैं। यहाँ पर साफ साफ लिख दिया गया कि आपको केवल ये ट्रेनिंग है, ठीक है। रिजर्वेशन में यहाँ पर दिया दिया रिजनो रिजर्वेशन अटेंडेंस आपको 75% देना होगा, ठीक है। ड्यूरेशन आपको कितना दिन का ट्रेनिंग रहेगा, तो शॉर्ट टर्म में ट्रेनिंग होगा जो 3 वीक का होगा, जो 18 दिन का, ठीक है। पास क्राइटेरिया जो होगा 55% आपको रिटेन और 60% प्रैक्टिकल देना होगा। तो यहाँ पर आप पूरा देख सकते हैं पूरा क्या क्या दिया है। यहाँ पर लिखा ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट बट कैंडिडेट विल हैव बीन मेक देयर ऑन अरेंजमेंट फॉर द फूडिंग एंड लोडिंग, यानी कहने का मतलब ट्रेनिंग आपको फ्री में दिया जाएगा, कोई पैसा नहीं लेगा, लेकिन आपको खाने रहने का व्यवस्था आपको खुद से देखना होगा। नो अलाउंसमेंट लाइक डेली अलाउंसमेंट और अलाउंसमेंट इज ट्रेवलिंग अलाउंस नॉट ईटीसी विल बी पे फॉर द ट्रेनिंग, यानी ट्रेनिंग ओनली इन डे टाइम, केवल दिन में ट्रेनिंग लिया जाएगा। चौथा में कैंडिडेट सेल भी रिक्वायर्ड टू गिव एफिडेविट, एफिडेविट देना होगा 10 रुपये का जो स्टाम्प पेपर होगा, जो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर 10 रुपये का देना होगा। अबाउट द फॉलो रूल डिसिप्लिन जो दिया गया है, यहाँ पर आप पूरा रीड कर सकते हैं, ठीक ना। जो आवेदन आपको 20/4/2024 तक होगा, जो 7 तारीख से स्टार्टिंग है, यहाँ पूरा यहाँ रीड कर सकते हैं। आपको डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेगा, फोटोग्राफ लगेगा एंड सिग्नेचर, मैट्रिकुलेशन मार्कशीट, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, और फोटो आइडेंटिटी कार्ड जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है। अब डेबिट 10 रुपये का देना होगा, मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा। यहाँ पर पूरा आप रीड कर सकते हैं, इस तरह से कुछ नोटिफिकेशन दिया गया है, ठीक है। चलिए आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई करने के लिए इस वाला लिंक पर आना है, डायरेक्ट यहाँ नोटिफिकेशन वाला ग्रुप जाइएगा ना, डायरेक्ट यहाँ पर होम पेज पर क्लिक कीजिए और होम पेज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर साइन इन या साइनअप का ऑप्शन, इस पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको अकाउंट बनाना होगा, तो साइनअप पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर डिटेल्स भरिए जैसे नाम, ठीक है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर आधार नंबर डालना ही है। इसके बाद पासवर्ड फिलअप कीजिएगा, साइनअप कर लीजिएगा।
साइन अप करने के बाद यहाँ पर मेल पर एक नोटिफिकेशन जाता है, मेल को यहाँ पर डालना है, पासवर्ड डालिएगा, जो पासवर्ड बनाया ये कैप्चा इस बॉक्स को फिलअप कीजिए, लॉगिन कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर लॉगिन हो चुका हूँ। लॉगिन होने के बाद यहाँ पर आपको नाम दिखने लगेगा, ठीक है। इसके बाद नीचे स्क्रॉल कीजिएगा और स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर लिखा है अप्लाई हेयर, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पर आइएगा, नोटिफिकेशन यहाँ पर दिया है, नोटिफिकेशन के अनुसार इसमें सेलेक्ट कर लीजिएगा, स्टेट यहाँ सेलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नाम सेलेक्ट कीजिएगा जहाँ आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो जो आप ट्रेनिंग हो अपने अनुसार सेलेक्ट कीजिएगा, जो इंस्टीट्यूट है जैसे कि वर्किंग ECR के लिए सेलेक्ट कीजिए, सर्च पर क्लिक कीजिएगा ना, तो यहाँ पर आपको दिखाएगा इंस्टीट्यूट का एड्रेस, ठीक है ना, कहाँ आपको ट्रेनिंग लिया जाएगा और आपको कौन सा ट्रेड के लिए लिया जाए। जैसे ट्रेड यहाँ दिया है वेल्डिंग के लिए, मैकेनिस्ट के लिए, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है, तो आप इसके अनुसार कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर अप्लाई ऑफलाइन पर ऑफलाइन कर सकते हैं, जिसको ऑफलाइन हो ऑफलाइन करना होगा। इसके लिए यहाँ पर क्लिक हेयर पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर आपको अप्लाई करने का ऑप्शन आएगा। तो अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा ना, या फॉर्म को आपको डाउनलोड करना होगा यहाँ से, जैसे कि जो जिसके लिए आप होंगे, ओके। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, इस तरह से यहाँ पर व्यू करके देख भी सकते हैं क्या क्या इसमें आपको है डिटेल्स, ठीक है ना, क्या क्या आपको भरना होगा, ओके। जो भी फॉर्म होगा आपको यहाँ पर ऑफलाइन फिलअप करना होगा यहाँ से डाउनलोड करके, ठीक है ना। और जो भी आप ट्रेड चाहते हो यहाँ से चेंज कर करके बार बार यहाँ से चेंज कर लीजिएगा, सर्च कीजिएगा, तो यहाँ पर ट्रेड दिखाएगा, जो ट्रेड आपका होगा उसके अनुसार आप ट्रेडिंग ले सकते हैं। उसके लिए ऑफलाइन यहाँ से आवेदन देना होगा, ऑफलाइन इसके लिए यहाँ से डाउनलोड कीजिएगा यहाँ से फॉर्म को, और ये फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद आपको वहाँ पर जाकर जमा कर देना होगा। तो इसी तरह से फिलहाल अभी अपडेट है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सभी फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा।